नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज आपको मैं एक नई चीज दिखाता हूं जो JBL ने अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च की है, और ये वीडियो होगा स्पेशली सिस्टम इंटीग्रेटर और हमारे एंड यूजर क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए कैबिन में चलते हैं और आपको दिखाता हूं। ये हमारा कैबिन है, इसमें लास्ट मैंने दो वीडियो बनाए थे। आप इधर देखेंगे दो बॉक्स रखे हुए हैं, थोड़ा क्लोज लाके दिखा बेटा। देखिए एक छोटा बॉक्स है और एक ये बड़ा बॉक्स है। ये दोनों हैं JBL के नए गार्डन स्पीकर जो JBL ने अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किए हैं। अभी तक आपको सिर्फ 5 इंच और 8 इंच के मॉडल में ही गार्डन स्पीकर मिलता था JBL में, और वो भी मशरूम शेप में था। इस बार JBL ने कुछ अलग डिजाइन से, थोड़ा लुक भी मैटर करता है, उसको देख के लुक भी अच्छा बनाया है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ में मैं आपको इन दोनों मॉडल्स में क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने वॉट का है, ये सारी डिटेल भी आपको बताऊंगा, और साथ में इसकी हम साउंड टेस्टिंग करेंगे बाहर आउटडोर में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम खोलते हैं छोटा बॉक्स। इसका मॉडल नंबर है GSF3GN, ये इसका मॉडल नंबर है। और इधर आप देखेंगे ये बड़ा वाला बॉक्स, इसका मॉडल नंबर है GSF6GN। तो पहले हम छोटा खोलते हैं फिर बड़ा खोलेंगे। लाल आ गया बेटा, इधर दिखा। ये मेरे पास कल ही आया है, देखते हैं इसके टेस्टिंग करके कैसी क्वालिटी है इसकी। सबसे पहले देखिए ये ब्रोशर एज यूजुअल। आप देखेंगे ये दोनों मॉडल्स आपको पेयर में आते हैं गार्डन स्पीकर के, आपका पेयर का बॉक्स आता है। ऐसा नहीं है आप सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल लगा के करेंगे क्या। हम एक बॉक्स खोलते हैं। देखिए पैकिंग भी बहुत अच्छी दी है इस बार, कम से कम स्पीकर को कुछ नहीं होगा। इससे पहले के दो मॉडल्स में पैकिंग कोई बहुत खास नहीं थी, लूज सा बॉक्स रहता था। अब देखेंगे आप यहाँ पे कुछ एसेसरीज हमें दी गई है। ये आप देखिए, एक ये और एक ये एसेसरी हमें दी गई है। गार्डन में हमें लगाना है, किसी पार्क में हमें लगाना है, तो इसके थ्रू हम इसको ग्राउंड पे डायरेक्ट माउंट कर सकते हैं बड़ा इजीली। देखिए इसको हम सीधे जमीन पे लगा सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा स्पीकर है, फुल आप लुक देखिए इसका, बिल्कुल यूनिक और एकदम ऐसा लुक बनाया गया है जिसको देख के कस्टमर सीधे इसको पसंद कर ले। और देखिए आप, ये फ्रंट है इसका, यहाँ ग्रिल है इसकी, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई LED लाइट लगा रखी है आपने, कोई फाउंटेन बना रखा है। आप कहीं भी गार्डन में लगा देंगे, पता ही नहीं चलेगा स्पीकर कहाँ लगा है, और लुक जबरदस्त आएगा इसका। पार्क में, गार्डन में, आप कहीं भी लगाते हैं इसको। और ये एसेसरीज जो आप देख रहे हैं, ये सिंपल जो है हमारी यहाँ पे इस केबल के थ्रू अंदर माउंट हो जाएगी, और ये हमारा सीधे नीचे गार्डन में लग जाएगा, सीधे जाके जो है आप फिक्स कर सकते हैं। और ये मूवेबल होता है हमारा, यहाँ से स्क्रू को हम ढीला करेंगे थोड़ा आके। लाल थोड़ा आ गया, ये देख रहे हैं आप स्क्रू, इसको ढीला करेंगे। ये मूवेबल है, आप इसको 360 डिग्री मूवेबल कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। उसके साथ आपको मिलता है ये L ब्रैकेट, आपको वॉल पे लगाना है तो वॉल के लिए आप इस L ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये लगता है स्पीकर, यहाँ इस तरीके से लग जाता है। अब आप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे लाइटिंग आपने कहीं लगा रखी है, पता ही नहीं चलेगा स्पीकर लगा है, और लुक बड़ा जबरदस्त है। दूसरा मैं आपको इस स्पीकर की और खासियत बताता चलूं, ये मॉडल 3 इंच के ड्राइवर के साथ आया है, और साथ में इसकी जो पावर वोल्टेज है वो है 30 वॉट आपका 8 ओम इम्पीडेंस पे, और 15 वॉट 100 वोल्ट लाइन 70 वोल्ट लाइन टैपिंग पे। तो वोल्टेज भी बहुत अच्छी है और काफी हैवी स्पीकर है, करीब 2.25 किलो का इसका वेट है स्पीकर का। दूसरा, इस स्पीकर का जो मटेरियल है, इसके अंदर जो कॉन लगी है वो लगी है पॉलीप्रोपेलिन कॉन, जो आपकी नॉर्मली हमारे जितने कंट्रोल सीरीज के स्पीकर है उसमें लगती है, वही वूफर का इसमें मटेरियल लगा है। आपको इस स्पीकर में 1 इंच का वॉइस कॉइल और 0.8 इंच का आपको इसमें मिलता है टाइटेनियम डोम ट्विटर, तो आपको पूरा फील मिलेगा इसमें तीनों फ्रिक्वेंसीज का, HF, MF और LF का।
लेकिन एक चीज याद रखिए, ये गार्डन स्पीकर है तो ये आपका पार्टी साउंड नहीं देगा, आपको लाउडनेस है लेकिन आप इसको पार्टी के लिए यूज नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, आप इसको एक नॉर्मल मीडियम पार्टी के लिए, मीडियम आप अपने घर में या सिस्टम इंटीग्रेशन कहीं लगाते हैं, गार्डन्स में, थीम पार्क में, फाउंटेन के साइड में, तो वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ ये स्पीकर का जो मटेरियल है वो है पॉलीकार्बोनेट और प्लस में ABS दोनों इसमें मिक्स हैं, साथ में UL94V रेटेड है ये, तो हीट प्रूफ भी है और उसके साथ IP66 रेटेड है ये। अभी तक जो गार्डन स्पीकर JBL में आते थे वो मैक्सिमम IP56 रेटेड के आते थे, लेकिन ये पहला मॉडल है जो IP66 रेटेड के साथ आया है गार्डन स्पीकर की रेंज में, और 3 इंच में, जो 5 इंच से पहले भी आपको एक मॉडल मिल गया। और उसके बाद दूसरा मॉडल है हमारा ये, इसको मैं साइड करता हूं, दूसरा मॉडल है हमारा ये है हमारा GSF6। ये स्पीकर है हमारा 6.5 इंच के ड्राइवर के साथ, इसको भी ओपन करते हैं, लाल थोड़ा आ गया, ओपन करके एक दो दिखाता हूं। सेम एसेसरीज आपको इसमें मिलेंगी और ये देखिए, ये भी पेयर में ही आता है स्पीकर। हम एक स्पीकर निकालते हैं और पैकिंग इस बार अच्छी की है इन्होंने, काफी स्पीकर को बहुत ही प्रीमियम तरीके से बनाया गया है। अब आप देखिए ये, इसका साइज देखिए, ये फ्रंट है इसका और ये इसका बैक है, आप देखिए इसका साइज। ये स्पीकर दोस्तों आपका 6.5 इंच के वूफर के साथ आता है, इसमें भी सेम पॉलीप्रोपेलीन मटेरियल लगा है वूफर में, और उसके साथ इसमें भी आपको 0.8 इंच का एल्यूमिनियम डोम ट्विटर मिलता है। आपका GSF3 में 3 इंच के मॉडल में आपको मिलता है टाइटेनियम डोम ट्विटर और इसमें एल्यूमिनियम डोम ट्विटर मिलता है। उसके साथ इसमें भी आपको 1 इंच की वॉइस कॉइल मिलती है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। साथ में इसकी जो वोल्टेज की मैं अगर बात करूं तो वोल्टेज इसकी आपको मिलेगी 50 वॉट 8 ओम इम्पीडेंस पे और 30 वॉट आपको ये देगा 100 वोल्ट लाइन 70 वोल्ट लाइन टैपिंग पे। साथ में 100 वॉट इसका प्रोग्राम पावर है इम्पीडेंस पे। उसके साथ इसका जो वेट की बात करूं तो ये करीब 3 किलो 700 ग्राम का स्पीकर है। साथ में इसमें भी जो मटेरियल है बॉडी का वो पॉलीकार्बोनेट और ABS मिक्स है और UL94V रेटेड है। उसके साथ ये भी IP66 रेटेड के साथ आता है, तो ये दोनों मॉडल आपके IP66 हैं और फुल्ली गार्डन स्पीकर हैं और लुक आप देखेंगे बड़ा ही जबरदस्त है। और इसके साथ भी आपको सेम वही एसेसरीज मिलती है जो आपको उसके साथ मिलती है, सिंपल इसको आप ग्राउंड में लगा सकते हैं, इस तरीके से फिक्स कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, या आप बेस बना के करना चाहते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके साथ एक L ब्रैकेट भी आपको मिलता है, ये L ब्रैकेट है, ये आप देखेंगे ये L ब्रैकेट है, इसके थ्रू आप वॉल पे लगा सकते हैं, आप चाहें तो पेड़ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, पता ही नहीं लगेगा। आप लुक देखिए, आपको लुक देख के ही मजा आ जाएगा, मुझे तो लुक देख के ही मजा आ गया, क्योंकि कई लोग कंप्लेंट करते थे JBL के गार्डन स्पीकर का लुक नहीं है, तो इस बार JBL ने वो कमी भी दूर कर दी है और आपको 2 वेरियंट दे दिए हैं, 3 इंच, उससे पहले 5 इंच था ही, फिर उसके बीच में 6.5 इंच, उसके बाद 8 इंच, तो आपको 4 मॉडल अब गार्डन स्पीकर की सेगमेंट में मिलेंगे JBL में। और आप कोई भी यूज कीजिए, 2 मॉडल तो बहुत ही अच्छे हैं, क्वालिटी में काफी अच्छे हैं और पहले ही नाम कमा चुके हैं, और ये 2 मॉडल मैं बिलीव करता हूँ सिस्टम इंटीग्रेटर और एंड यूजर क्लाइंट्स को पसंद आएंगे। और दूसरी एक चीज मैं और दिखाऊं, इसकी जो टैप सेटिंग होती है वो कहाँ से होती है, ये देखेंगे आप, यहाँ देखिए टैप सेटिंग है, इसको सिंपल ये जो 2 एरो हैं, यहाँ अभी देखिए डिफॉल्ट मोड पे है 8 ओम्स पे, अगर आपको इसको 100 वोल्ट लाइन या 70 वोल्ट लाइन में प्ले करना है तो जितनी वोल्टेज पे करना है उस वोल्टेज पे आप इसको मूव करा के इस एरो के सामने ला सकते हैं और आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने एम्पलीफायर से। सिंपल मिक्सिंग एम्पलीफायर लगाइए और कनेक्ट कीजिए और आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको बाहर लेके चलूंगा ऑफिस के और वहां पे आपको इसका साउंड सुनाऊंगा कैसा साउंड है। फिलहाल मैं इसको फिक्स करके तो नहीं दिखाऊंगा,
लेकिन मैं आपको इसको चला के बाहर दिखाऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आती है। तो चलिए हम पहले कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी देखते हैं और आप भी मुझे बताइएगा आपको कैसी क्वालिटी लगी। जब तक कनेक्शन हो रहा है एम्पलीफायर में, दोस्तों इसका लुक देखिए आप, एक 3 इंच और एक 6.5 इंच का गार्डन स्पीकर है JBL का, ये क्या लुक है देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई LED की लाइट आपने लगा रखी है, चाहे जैसे फेसिंग कीजिए इसकी। ये 50 वाट और ये वाला 30 वाट। दोस्तों आइए इसकी टैप सेटिंग कर लेते हैं, हम इसको चलाएंगे 100 वोल्ट लाइन पे दोनों स्पीकर को, और आपको दिखा दूं। यहाँ देखिए आप, ये है हमारा यहाँ पे टैप सेटिंग के लिए और ये एरो है। अब मैं इसको इस तरीके से मूव करूंगा तो ये देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे 15 वाट 100 वोल्ट पे और 7.5 वाट हमें 70 वोल्ट पे देगा। इसको हमने 15 पे कर लिया है और उसी तरीके से हम ये वाला स्पीकर यहाँ देखिए, इसको हम करेंगे 30 वाट पे 100 वोल्ट लाइन। सेम इधर भी 70 वोल्ट पे अगर एम्पलीफायर में कनेक्शन करेंगे तो हमें ये 15 वाट की वोल्टेज देगा, तो लेकिन हम 100 वोल्ट पे करेंगे। और अब चलते हैं बाहर और स्पीकर को कनेक्ट करते हैं वायर से और चेक करते हैं। पहले आपको ये सुनाता हूं मैं छोटा वाला, फिर आपको बड़ा वाला सुनाऊंगा। आओ, ये बैक साइड है ऑफिस का, सामान ही सामान रखा हुआ है, अभी कोई आया भी नहीं है, सफाई भी नहीं हुई है। यहां रखते हैं इसको और इसको लगाते हैं। ये भी हमारी वायर, नीली वाली लगाता हूं मैं राइट वाले में, ये हो गया, और व्हाइट वाली लगाता हूं मैं स्पीकर के ब्लैक वाले में। ये हमारा स्पीकर कनेक्ट हो गया। अब सिंपल आप इसको टेपिंग कर दीजिए और अंदर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे ये लगा होगा तो क्या लुक बनेगा इसका, और इसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे चाहे जैसे आप। अब मैं लिब्रा 300 को इसको कनेक्ट किया है, लिब्रा 300 को म्यूजिक चलाते हैं और देखते हैं। नीचे लाल सिंह, एक बार अपने दोस्तों को दिखा दो कितने परसेंट में वॉल्यूम सेट किया है, जिससे इनको एक्चुअल लेवल पता लगे। लड़का हमारा अब शुरू हो गया अपने काम पे। इसका नाम पता क्या है? बॉबी। और इसका मैंने स्पेलिंग अपने फोन में कुछ अलग टाइप से सेव कर रखा है। अब देखो यहाँ पे ये ब्लूटूथ पे चलाऊंगा मैं, लिब्रा 300 है, 50% पे वॉल्यूम है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके 60% करता हूँ, यहाँ से मैं USB का फुल कर देता हूँ चैनल का, ठीक है। अब हम म्यूजिक चलाएंगे लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करके। दोस्तों म्यूजिक मैंने चला दिया है और आपको आवाज भी यहाँ तक आ रही होगी, ये छोटा 3 इंच वाला लगा है। आइए देखते हैं, आपको यहीं से आवाज आ गई होगी स्पीकर की, 3 इंच का चल रहा है ये। थोड़ा दूर से दिखा,
अब मैं इसमें थोड़ा हार्ड म्यूजिक चलाता हूँ, दिखाता हूँ चला के आपको। अब इसमें थोड़ा मैंने पार्टी वाला म्यूजिक चलाया, वैसे पार्टी के लिए नहीं है, फुल हार्ड पार्टी के लिए, लेकिन आप इसमें नॉर्मल कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, घर में आप अपने नॉर्मल फंक्शन इसमें कर सकते हैं। सुनो इसके साथ क्लोज आके दिखा एकदम, लुक देखो लुक बड़ा जबरदस्त। देखा आपने क्वालिटी है इसकी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इसको आप गार्डन स्पीकर की तरह ही यूज़ करेंगे तो लंबा चलेगा। इसको आप कहीं पार्टी स्पीकर ना बना लें, फिर आपका बार बार उठता ही रहेगा, साउंड भी अच्छा खासा है। अब चलिए 6.5 इंच वाला मॉडल देखते हैं। बताओ आप 3 इंच के स्पीकर से क्या लेंगे आप, 15 वाट पे इतनी पावर है इसकी, सोचो इम्पीडेंस पे जब चलाएंगे 30 वाट तो कितनी जबरदस्त पावर देगा ये। और लुक भी कितना जबरदस्त है। चलो आप 6.5 इंच वाले मॉडल को देखते हैं, उसकी क्वालिटी तो और जबरदस्त होगी जब इसकी इतनी जबरदस्त है तो। ये देखो आप स्पीकर 30 वॉट पे है, 100 वोल्ट लाइन पे चलाएंगे हम इसको, आपको बताया था मैंने। अब मैं म्यूजिक चलाता हूँ। हाँ म्यूजिक चलाओ। ये देखो 6.5 इंच का स्पीकर है। अब इसकी क्वालिटी देखो, इसका जो थ्रो है 6.5 इंच वाले का वो है 70 डिग्री कॉनिकल और 3 इंच वाले का 90 डिग्री कॉनिकल। मतलब कौन शेप में आपको 90 डिग्री की देगा 3 इंच वाला और 70 डिग्री का कवरेज देगा आपका ये स्पीकर। अब देखो इसमें बीट भी अच्छे हैं, अच्छे खासे बीट भी आ रहे हैं इसमें। तो कितना दूर जाऊंगा फिर भी देखो आप, लुक देखो कितना जबरदस्त है। आराम से 15 से 20 फीट का ये कवर करेगा एक एरिया, ये एक स्पीकर। देखिए मैं आ गया हूं करीब 20 फीट 25 फीट के डिस्टेंस पे, देख रहे हो बीट भी अच्छे आ रहे हैं। Thank you.